देश में सबसे ज्यादा लोगों की मौत भ्रष्टाचार के वजह से होता है, लेकिन आज तक इस देश में किसी भी भ्रष्टाचारी को फांसी की सजा नहीं दी गई है। हमको तो अभी ऐसा लग रहा है कि उन लोगों को बचाने के लिए सरकार जुट रही है। हाँ। क्योंकि जिन लोग जिसकी वजह से ये ब्रिज टूटा है वो आज तक क्यों पब्लिक के सामने नहीं आया। हाँ। मोरबी छोड़ के चला गया। जो मोरबी सिविल हॉस्पिटल में प्रधानमंत्री जी के आने के अगले दिन जो वहाँ पे पेंट वगैरह हुआ सिविल हॉस्पिटल की समर का, वो मोरबी के लिए शर्मजनक बात है। 140 से ज्यादा लोगों के मौत के पीछे अगर किसी भी प्रकार का आंदोलन करना होगा तो लाखों लोग नहीं खड़े होंगे। नहीं खड़े होंगे। नहीं होंगे। सारी जगह है जहाँ पे ऐसे ब्रिज हैं, जहाँ पे कहीं तीर्थस्थल हैं या तो कोई पब्लिक प्लेस है, तो वहाँ पे भी इस चीज से सीख लेकर वहाँ पे भी सेफ्टी के मेजरमेंट तैनात किए जाए, ये हमारी डिमांड है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। देश में सबसे ज्यादा लोगों की मौत भ्रष्टाचार के वजह से होता है, लेकिन आज तक इस देश में किसी भी भ्रष्टाचारी को फांसी की सजा नहीं दी गई है। किसी ने तो भ्रष्टाचार किया था ना, उसके वजह से ना 140 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। हमको तो अभी ऐसा लग रहा है कि उन लोगों को बचाने के लिए सरकार जुट रही है। हाँ। क्योंकि जिन लोग जिसकी वजह से ये ब्रिज टूटा है वो आज तक क्यों पब्लिक के सामने नहीं आया। हाँ। मोरबी छोड़ के चला गया। हाँ। वो सच्चा था तो उसको यहाँ पे रहना चाहिए था। जरा सोचिए, ये कैपिटल ऑफ सिरामिक है, पूरे देश में 90% सिरामिक टाइल्स जो है और सिरामिक का काम जो है इस मोरबी शहर में होता है। इस प्रकार का घटना रोकने के लिए भ्रष्टाचार पे सरकार को लगाम लगाना चाहिए। और एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या एक आम आदमी के मौत का कीमत 7 लाख रुपया होना चाहिए? नहीं होनी चाहिए, उसकी कोई कीमत ही नहीं हो सकती। एक और चीज वायरल हुआ जो बहुत मार्मिक है, आज तक आपने देखा है कि किसी नेता को जो है जर्जर अस्पताल में इलाज करवाते हुए नहीं, वो डायरेक्ट दिल्ली एम्स में जाएंगे या गुजरात का सबसे महंगा अस्पताल में इलाज कराएंगे, और एम्स में भी दिल्ली इलाज नहीं होगा तो वो विदेश चले जाएंगे। लेकिन मौत के बाद जो है एक फोटो वायरल हुआ, यहाँ का जो सदर अस्पताल है उसका पेंट पोचारा, ये सब टाइल्स वाइल्स लगना, क्या वो जायज था? नहीं, जो मोरबी सिविल हॉस्पिटल में प्रधानमंत्री जी के आने के अगले दिन जो वहाँ पे पेंट वगैरह हुआ सिविल हॉस्पिटल की समर का, वो मोरबी के लिए शर्मजनक बात है, और जो लोगों की डेथ हुई है उन लोगों को भी शर्मजनक बात हुई। लेकिन समस्या क्या है पता है, इस देश का राजनेता गलत नहीं है, इस देश के लोग गलत है, और जिस दिन लोग जो है गलत चीजों के खिलाफ ईमानदारी पूर्वक आवाज उठाना शुरू कर देंगे उस दिन हमारा देश बदल जाएगा। एक समय हमारा भारत जो है विश्व गुरु हुआ करता था, और उस समय हम क्षेत्र में भाषा में नहीं बटे हुए थे, हम एक भारतीय होते थे। लेकिन मुगलों ने बांटा, अंग्रेजों ने बांटा, उसके बाद से नेताओं ने हमें अलग अलग राज्यों में बांट दिया, अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया, और उसके बाद से गुजरात का दर्द जो है महाराष्ट्र नहीं समझता है, महाराष्ट्र का दर्द जो है पंजाब नहीं समझता है, पंजाब का दर्द जो है बंगाल नहीं समझता है। आज अगर किसी नेता को चुनावी जनसभा करना होगा तो लाखों की भीड़ उसके पीछे खड़ी हो जाती है। 140 से ज़्यादा लोगों के मौत के पीछे अगर किसी भी प्रकार का आंदोलन करना होगा तो लाखों लोग नहीं खड़े होंगे। नहीं होंगे। तो उम्मीद है कि ये सभी लोग जो है बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और इसके अलावा इस देश के सभी पढ़े लिखो लोगों से विनती मैं करना चाहता हूं कि आगे से इस देश के किसी भी क्षेत्र में इस प्रकार का कोई भी घटना ना हो उसके लिए प्रयास किया जाए। और जैसे हम लोग जय हिंद वंदे मातरम भारत माता की जय करते हैं, तो भारत माता का जय तभी होगा जब हमारे भारत से जो है वो भ्रष्टाचार खत्म होगा। और ये वही मनहूस ब्रिज है जिसको बिना एनओसी दिए, बिना फिटनेस सर्टिफिकेट दिए हुए चालू कर दिया गया, और नए साल के पहले इसलिए चालू किया गया कि नया साल में कुछ पैसा कमाया जा सके। अगर सिर्फ और सिर्फ 100 लोग इस पे सवार होते और भ्रष्टाचार नहीं हुआ रहता तो शायद जो है लोगों की मौत नहीं होती। तो देश के लोगों से विनती करना चाहता हूं कि हम लोग जो है श्रद्धांजलि सभा में शामिल होते हैं, 50 लोग, 100 लोग, 150, 200, 500 लोग इस प्रकार के सभा में शामिल होते हैं। इस देश के किसी कोने में श्रद्धांजलि देने का नौबत ही ना आए, ऐसा हम लोगों को प्रयास करना होगा। बाकी हमारा ये प्रयास और इन भाइयों का ये कोशिश आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मेरा कहना यह है कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा यहाँ पे जो श्रद्धांजलि दी गई है तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट गलत है, कहीं ना कहीं प्रशासन गलत है,
लेकिन एक और चीज़ भी कहीं ना कहीं गलत है कि कहीं ना कहीं तो चाहे वो 1% हो चाहे 5-10% हो, कहीं ना कहीं पब्लिक की भी तो गलती है कि वो देख रही है कि वहाँ पे पांव रखने की जगह नहीं है, वहाँ पे इतनी सारी भीड़, हम चल नहीं पा रहे हैं, इतना ज़्यादा ओवर क्राउडेड है। तो जितने समझदार लोग थे, जिनकी कई लोग ऐसे थे कि वो समझदार थे कि यहाँ पे चलने जैसा नहीं है, यहाँ पे पांव रखने जैसा नहीं है, हादसा हो सकता है, वो काफ़ी सारे लोग बाहर आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं पब्लिक को भी समझना होगा कि हम कहीं पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं या ऐसा हादसा हो रहा है तो अपने को वहाँ पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन समस्या यहाँ पे ये है कि अगर आप ट्रेन का टिकट खरीदने जा रहे हैं और आपको टिकट दे दिया जा रहा है तो आप ट्रेन में सवार होने का प्रयास करेंगे, वैसे ही जैसे इस पुल का टिकट आपसे बेच दिया गया तो लोग सोचेंगे कि मुझे तो टिकट मिल गया है, सही बात, तो इसलिए लोग चढ़ गए। हमारी डिमांड यह है कि जहाँ कहीं भी ऐसा कोई पब्लिक प्लेस हो जहाँ पे प्रशासन पहले से ही सेफ्टी मेजरमेंट, जैसे कि फायर सेफ्टी है, जैसे कोस्ट गार्ड की कोई टीम यहाँ पे है, कि ऐसा कोई बनाव होता है, चाहे पुल नहीं टूटा हो, कोई अजान से कोई बच्चा गिर गया हो या कोई एक दो आदमी गिर गया, तो उसकी भी जान की सेफ्टी के लिए क्या। तो अगर पूरे इंडिया में ऐसे काफ़ी सारी जगह हैं जहाँ पे ऐसे ब्रिज हैं, जहाँ पे वो कहीं तीर्थस्थल हैं या तो कोई पब्लिक प्लेस है, तो वहाँ पे भी इस चीज़ से सीख लेकर वहाँ पे भी सेफ्टी के मेजरमेंट तैनात किए जाए, ये हमारी डिमांड है। अच्छा, एक परिवार के 4 लोग मर गए, अब उनके परिवार में कोई है नहीं, एक परिवार के पिता और दोनों उनके बच्चे मर गए, सिर्फ और सिर्फ बेबी बची हुई है, तो वैसे लोगों को इंसाफ कैसे मिलेगा? देखो, इंसाफ की अगर बात करें तो काफ़ी सारे लोगों का परिवार टूट चुका है, कितने की बीवी बच्चे, किसी के तो परिवार में कोई भी नहीं रहा है। हमारी पूरी दिल से उनके लिए दुआ है, और काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं कि उन बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए भी अभी से डिमांड कर रहे हैं कि जिसका परिवार नहीं रहा है, और कितनी सारी संस्थाएं भी आगे आ रही हैं कि उन बच्चों को पढ़ाई का हर एक चीज़ का खर्चा वो उठाने के लिए रेडी हैं। सर, इस देश का सबसे अमीर राज गुजरात के लोगों से मैं विनती करना चाहता हूँ कि आप लोग आगे आएँ और उन परिवार के बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनका पूरा भरण पोषण के लिए, जीवन भर उनके लिए कुछ अच्छा करने के लिए आगे आए और कुछ अच्छा करने का प्रयास करें। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सच्चिदानन्द भगवान की जय। भारत माता की जय। गौ माता की जय। गंगा माता की जय। श्री राम जन्मभूमि की जय। श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय। काशी विश्वनाथ की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतों की जय। बोलो भाई सब भक्तों की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गवन सत्या बंद हो। धर्मांतर बंद हो। भारत अखंड हो। हर हर महादेव।